तरफ है अंगूरी भाभी तो दूसरी ओर है अनीता भाभी। आज दोनों ने मिलकर रखा है करवा चौथ का व्रत और ये करवा चौथ का व्रत तिवारी जी और विभूति नारायण को पड़ गया है भारी, क्योंकि एक दूसरे की पत्नियों पर जान छिड़कने वाले ये दोनों मनचले आज फंस गए हैं अपने ही जाल में। दोनों भाभियों की नजरों में कौन है बेस्ट, बस यही बताने के लिए दोनों ने रख लिया है करवा चौथ का व्रत। जी हाँ, सही पकड़े हैं, विभूति नारायण और तिवारी जी भी फंस गए हैं कुछ ऐसे कि उनको रखना पड़ गया है करवा चौथ का व्रत। एक लफ्ज है बकवास, बकवास। वो तो मेरे ख्याल से जो सामने वाली पड़ोसन है उसके लिए इन्होंने नाटक किए हैं। दरअसल मैं तो फेल रहे होंगे। दरअसल मेरी स्थिति तो वैसे भी चकोर की तरह है, जो चांद को देखता रहता है चाहे गर्दन मेरी टूट कर गिर क्यों ना जाए। अपनी पत्नी से कंधे से कंधा मिला के उसके हर काम, उसकी हर तकलीफ परेशानी बांटता हूँ, और मैंने ये बांटने की कोशिश की लेकिन दिन भर गालियाँ दी हैं मैंने, और चांद के बेसब्री से इंतज़ार किया, और चांद भी इतना निर्मोही है कि आज रोज 7 बजे निकलता था, आज 9:30 बज गए तक चांद नहीं निकला है। बड़ी मुश्किल से निकाला है चांद को हमने। एक छत पर है मॉडर्न भाभी तो दूसरी छत पर है एकदम संस्कारी भाभी। मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ कि ये आज पहली बार सजी सवरी नहीं, ये रोज सजी सवर के सवेरे उठती हैं, नहा धो के कपड़े पहन के तैयार हो जाती हैं। एकदम लगता है कि अभी इनको चीफ शेरवर लगा के तैयार कर दिया गया, पूरे दिन तैयार रहती हैं ऐसे। आपने कभी देखा है कि ये डिसेबल्ड रहती हैं? कभी कभी नहीं, एकदम फर्स्ट लास्ट टू द टी तैयार रहती हैं। ड्रेस लगाना और तैयार होना ये सब मेरा है, बाकी ड्रेसेस तो डिजाइनर की है। करवा चौथ पे एक्चुअली रेड कलर ही पहनते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मुझे भी रेड लेके आना। बट हाँ, मैंने कहा मुझे वो ब्लड रेड चाहिए, मुझे वो मरून या रेडिश है ना, ऐसा मत लेके आना, डिजाइनर को बोला तो वो रेड लेके आई। मतलब आई एम हैप्पी विद दिस, हाँ मुझे अच्छा लगा। विभूति नारायण और तिवारी जी के लिए आज तो जैसे अग्नि परीक्षा हो गई है, चांद कम्बक निकलने को तैयार ही नहीं है, भूख के मारे इधर इनका बुरा हाल हो रहा है। आज ना निकलना, मालूम पड़ गया ना तुम्हें, विभूति ने व्रत रखा है आज, रोज निकल जाते हो 7 बजे। चांद मेरा दम निकाल के दिख रहे। देखो चांद निकल आया और इसकी खुशी भाभियों को कम और उनकी पतिदेव को ज्यादा है। जैसे तैसे करवा चौथ का व्रत संपन्न हुआ, एक दूसरे की लंबी उम्र के लिए दुआएं भी मांगी गई, और कुछ इसी तरह भाभी जी के करवा चौथ का ये चैप्टर खत्म हुआ। सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ मुंबई।